कोरोना महामारी के चलते बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगभग पिछले 100 दिनों से बंद है और उसके सारे काम अब धीरे धीरे ऑनलाइन प्रक्रिया से होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई विद्यार्थी जो ऑनलाइन प्रक्रिया से वाकिफ नहीं है, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि वो अपने कार्य कैसे करें। इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी छात्र सभा ने एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, जिसके बारे में हमें बताने के लिए खुद मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष आशीष पटेल। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट्स बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की मदद का आह्वान करते हैं, तो हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इसमें उसके माध्यम से आप अवगत करा सकते हैं कि क्या किस प्रकार की आप मदद चाहते हैं। उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपका नाम और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद हम वो जानकारी आपसे लेके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में वो जानकारी देंगे, उसके बाद आपकी मदद की जाएगी। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष असेंद्र यादव। नमस्कार साथियों, आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि समाजवादी ऑनलाइन हेल्प डेस्क की शुरुआत हो रही है। कोरोना जैसे संकट काल में आज जब छात्र अपने घरों में हैं और लॉकडाउन की अवधि इस तरीके से है और हम लोग अपने घरों में हैं, तो छात्रों के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण करना बहुत आवश्यक है। बहुत चिंतित हैं, बहुत सारे संपर्क हम लोगों से फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम लोगों ने समाजवादी ऑनलाइन हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इसको आप समाजवादी छात्र सभा के ऑफिशियल फेसबुक पेज से या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हमने समाजवादी ऑनलाइन हेल्प डेस्क के लिए आज जारी किया है, 8545088933 8545088933, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी लिंक आप तक पहुंच जाएगी और उसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आप अपने किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं और किसी भी समस्या पर हम आपके साथ हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से भी जो भी मदद होगी वो मदद आप तक पहुँचाई जाएगी। और इसी के साथ आशीष जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्रयास को आज अंतिम रूप दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग इसे जुड़ें और अपनी समस्याओं को हमसे साझा करें और हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लोक मीडिया।